हेलो फ्रेंड्स, आपण ओडिया मॉक टेस्ट क्लास टू को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम ओडिया ग्रामर मॉक टेस्ट करवा। तो आपड़ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देवाको जाउछंती, निहाती भाव यही वीडियो को मूल रू शेष पर्यंत देखु, कहीं आपण कामरे निहाती भाव आसीबो। तो प्रथम प्रश्न है देखूँ, मापर विपरीत शब्द चिह्नट कर। तो ये आमको करार अच्छे मापर विपरीत शब्द देखा। ऑप्शन देछि न माप, अमाप, अणमाप, समाप। तो सबूत सामान पर लगुच, किंतु मापर विपरीत शब्द कौन हो? मापर विपरीत शब्द हो अमाप, यहाँ मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, विपरीत शब्द निहाती भाव प्राक्टिस करूँ, तापर देखा ठीक वाक्य चिह्नट कर। तो आपणकर एमती आसब, यह प्रश्न आसब, भूल वाक्य दिहित आपन को चिह्नवाक हे करेक्ट। तो देखा ये क्वेश्चन कौटा भूल अच्छे। समस्त भारतीय माने स्वच्छ और शुद्ध रही चाहती। तो प्रथम सेंटेंस रे कौन भूल अच्छे देखीदे? देखु समस्त भारतीय माने देछि। तो आम जब लिखा दि प्रकार यू लिखिले ठीक हे, गोटे है समस्त भारतीय लिखा, नहले भारतीय माने लिखा। समस्त भारतीय कहले तो प्लुराल को बुझौती, सबु भारतीय को बुझौती। तो भारतीय माने आउ कहीं लिखा समस्त भारतीय ठीक हे, नहले समस्त जदि लिखानी भारतीय माने कहले प्लुराल हे, भारतीय प्लुराल हे, यहाँ भारतीय माने। तो ये सेटा भूल अच्छी, समस्त भारतीय ही थांता, नहले भारतीय माने ही थांता। तो ये गला दि नंबरटा देखा, समस्त भारतीय स्वच्छ और शुद्ध रही चाहती। यदि तो समस्त भारतीय दिहाई मैंने ठीक अच्छे, तो भूल कौटा अच्छी देखु, ये स्वच्छ दिया है नहीं, केवल स्वच्छ लिखाई एमती जस्ट लिखि दिखाई आपणकर स्वच्छ लिखि दिखाई। आमर जो छा कथा मानने च जुग छमी हुए, च जुग छमी ए प्रकार हुए आपण मान स्वच्छ जोटा सेटा है ना, एमती जोटा हवा कथा सेटा है ना जगार देखु, यहाँ भूल अच्छी। नेक्स्ट जीवा, समस्त भारतीय स्वच्छ और शुद्ध रही चाहते, यदि समस्त स्वच्छ ठीक अच्छे, तो भूल कौटा अच्छे देखते, समस्त भारतीय जोटा दिहाई यहाँ हर्षे दिहाई मान ये दीर्घ ही हवा कथा, भारतीय हवा कथा तीय हवा कथा, किंतु यहाँ ह्रस ही दिहाई दीर्घ ही हवा कथा, से सेन्टेन्सटा भूल अच्छी। तो लास्ट सेन्टेन्सटा ठीक अच्छे, समस्त भारतीय स्वच्छ और शुद्ध रही चाहती। तो यही हिसाब से आपण सेंटेंस करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, शुद्ध शब्द चिह्नट कर। सेंटेंस आसीब एवं शुद्ध शब्द चिह्नट कर निहाती भाव आसीब। तो ये देखा आम कौटा ठीक अच्छे देखु, प्रथम दिखाई वृक्ष, वृक्ष छाया, मनस्कामना, मनोकष्ट, जशोलाप। तो कौटा भूल अच्छे देखा, प्रथम वृक्ष छाया उपर आलोचना करवा। तो वृक्ष छायाटा ये भूल अच्छे कौन, वृक्ष यहाँ वृक्ष आपणकर एक प्रकार है, यहाँ जोटा आपड़ एमती जो लिखते वृक्ष छाया एक प्रकार हवा कथा, केवल छाया ये लिखाई यही छाया लिखाई, तो से भूल हो गला। तापर देखा मनस्कामना, मनस्कामना यहाँ जो मूर्धन्य स अच्छी, मनस्कामना एक प्रकार हुए दंत्य स हो मनस्कामना हे, से भूल अच्छी। मनोकष्ट यहाँ मध्य भूल अच्छे, यहाँ कौन है मनह, एक्चुअली मनह कष्ट होता है, मनोकष्ट हुए ना, यहाँ भूल अच्छे। तो ठीक अच्छे आप जोशो लाभटा करेक्ट अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व आपण जदि टेलीग्राम चैनल रे ज्वाइन करना करूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देवा, एवं आगुरु जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप रे ज्वाइन करते से टेलीग्राम ग्रुप टा डिलीट हो जाए, तो से आगुरु जो मैंने ग्रुप रे ज्वाइन करते आज जो लिंक टा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देवी से ज्वाइन करूँ, कहीं से पुराणा ग्रुप रे गुरुकुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ग्रुप रे आउ वीडियो पोस्ट करी हबो नाही। तो निहाती भाव ये नुआ चैनल रे ज्वाइन करूँ। तो ये कौटा भूल अच्छे देखा, मयूर मशारी महत्व एवं मातंगी अच्छे। तो मयूरटा यहाँ मयूर यहाँ भूल अच्छी मान मयूर यहाँ हर्ष देमती है मयूर,
ମଶାରି ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ମଶାରି କେମିତି ହେବ, ମଶାରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହର୍ଷେଇ ହେବ, ଦୀର୍ଘେଇ ଦିଆହେଇଛି। ମହତ୍ଵ, ମହତ୍ଵ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିଥାଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହତ୍ଵ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଯାଇଥାଏ ମହତ୍ଵ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ତିନୋଟି ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତଙ୍ଗୀ ମାତଙ୍ଗୀଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତ ଏଠି ରୂଢ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି, ତିନୋଟି ରୂଢ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି ଏବଂ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆ ହେଇଛି, କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ମିନିଂଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦିଆ ହେଇଛି ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା, ଆଖି ଦେଖେଇବା, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ଦିଆ ହେଇଛି ଡରେଇବା, ରାଗିବା, କୌଶଳରେ ଠକିବା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା, ମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା, ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଜୋର୍ରେ ରାଗିଯିବା, ଅଗ୍ନିଶର୍ମାର ମିନିଂଟା ସେଥିପାଇଁ ରାଗିବା ହେବ। ଆଖି ଦେଖେଇବା, ସେ ମୋତେ ଆଖି ଦେଖାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ମୋତେ ଡରଉଛି, ତ ଆଖି ଦେଖିବା ମାନେ ଡରେଇବା ହେବ। ଏବଂ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ ଠକିବା, କୌଶଳରେ ଠକିବା। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଆପଣଙ୍କର ରୂଢ଼ି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରୂଢ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କସ୍ତମ କସ୍ତମ ହିସାବରେ ଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଧରନ୍ତୁ ଜିରାରୁ ସିରା କାଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏବଂ ତା'ର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବି ଦେଇପାରେ, ଏହି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ବେଳେ ବେଳେ। ଜିରାରୁ ସିରା କାଢ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ, ଠାସ୍କୁ ମାରିବା ମାନେ କ'ଣ, ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେବା, ଅନୁମାନ କରିବା, ଦୋଷ କାଢ଼ିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଜିରାରୁ ସିରା କାଢ଼ିବା ମାନେ ଦୋଷ ବାହାର କରିବା, ଅର୍ଥ ଦୋଷ କାଢ଼ିବା। ଠାସ୍କୁ ମାରିବା ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ଠାସ୍କୁ ମାରିବା ମାନେ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରିବା, ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେବା ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତ ଆପଣ ଛଅଟା ଜାଣିଗଲେ, ଛଅଟା ରୂଢ଼ି, ଆହୁରି ରୂଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ, ଅବ୍ୟୟରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ବାରମ୍ବାର, ସେଥିପାଇଁ ନିଆ ହେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ, କ୍ରମବୋଧକ, ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଅବ୍ୟୟ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯିବେ, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦିଆହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବୋଲି ଅଛି, ସେଥିରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କରାହେଇଛି। ତ ଏଠି ଖାଲି ଦେଖିଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେଟା କ'ଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏଇଟା ସବୁ ଯଦି ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଯୋଗରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଶବ୍ଦାନୁକାରୀରେ ଶବ୍ଦର ଥିବ, ଠନ୍ ଠନ୍, ଭଣ ଭଣ, ଧଡ଼କ ଧଡ଼କ ବା ଧଡ଼ ଧଡ଼, ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଯଦି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉପକଣ୍ଠ କି ପ୍ରକାର ସମାସ, ତ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପକଣ୍ଠ କି ପ୍ରକାର ସମାସ, ତତ୍ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପକଣ୍ଠରେ କିଛି ଅବ୍ୟୟ ଅଛି କି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପ ହେଲା ପ୍ରତି, ଉପକଣ୍ଠ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଅନୁକ୍ଷଣ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଉପକଣ୍ଠରେ ଉପ ଲାଗିଛି, ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଲାଗୁଛି, ଅନୁକ୍ଷଣରେ ଅନୁ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଉପଟା ହେଲା ଅବ୍ୟୟ, ଉପକଣ୍ଠ ତ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ହେବ ଏଇଟା, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଦେବାସୁର କି ପ୍ରକାର ସମାସ, ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତୃତୀୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ଦିଆହେଇଛି। ଦେବାସୁର ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଆମେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଦେବ ଓ ଅସୁର, ଯେମିତି ଦେବ ଓ ଅସୁର, ପିତା ମାତା ଯେମିତି ପିତା ଓ ମାତା, ଗଛ ଲତା ଯେମିତି ଗଛ ଓ ଲତା, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଯେମିତି ହାତୀ ଓ ଘୋଡ଼ା, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଅଛି ହାତୀ ଓ ଘୋଡ଼ା, ଦେବ ଓ ଅସୁର, ଗଛ ଓ ଲତା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଦେବ ଏବଂ ଅସୁରରେ ଏହି ଦୁଇ ପଦଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଦେବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ଅସୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି, ତ ଏମିତି ଯଦି ବହୁତ ଯେଉଁଟା ଥିବ ଦୁଇଟା ପଦ ଉଭୟ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଗଛ ଲତା ପାଣି କ'ଣ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଯାହା ବି ଦେଲି ସେସବୁ ପିତାମାତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା,
आ जोग पद एटा संधि दिया हेइछि संधि करिबा आ जोग पद आपद हेबो ना आस्पद हेबो ना आसप हेबो ना आसपद हेबो कौन हम देखा आ जोग पद एटा संधि बहिर्भूत नियम ये हूँ है जगह संधि बहिर्भूत नियम हो संधिर कौन सी नियम ये काम करूना आ जोग पद सामान यहाँ हो आस्पद मन रखु आस्पद तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी आस्पद हे पुओ को असत पथरु बारण कर पुओ को असत पथरु बारण कर कि प्रकार सॉरी कि प्रकार विभक्ति तो लेखा है विभक्ति चिन्हटक लिखाई पुओ को असत पथरु बारण कर तो देखो ये मुझे विभक्ति देना जेहेतु आप विभक्ति कहले जानते प्रथम रु आप सप्तमी पर्यंत थाए ऑप्शन आउ देना है से भितर तो गोटे हम जोटा है तो असत पथरु प्रथम कथा है रुठार मानक ठारे पंचमी विभक्ति हुए यहाँ मन रखु टीटा गुड़ाए गुड़िक माने से माने थिले प्रथमा विभक्ति कुंकु मानंकु द्वितीय विभक्ति रे द्वारा देई से थिले तृतीय विभक्ति तापरे कुंकु मानंकु मध्य चतुर्थी होता है रुठारु मानंक ठारे पंचमी रंकर मानंक षष्ठी एवं रेठारे मानंक ठारे सप्तमी होता है तो ये जेहेतु रुठारु मानंक ठारु अछि कन्फ्यूज हेबार किछ नाही असत पथरु एटा पंचमी विभक्ति हेबो किंतु काहेकि जदि पंचमी विभक्ति हेला जदि पचारि देला तो यहाँ निवारण अर्थ में पंचमी बोली कहे पुओ को असत पथरु बारण कर माने से असत पथरे चलुची से निवारण कर तो ये कौन निवारण अर्थ में पंचमी निवारण अर्थ में ये पंचमी होउछि। नेक्स्ट लिंग चिन्हट कर यहाँ आप जानते लिंग तीन प्रकार पुलिंग स्त्रीलिंग और किलिंग यहाँ कौन गोटे क्वेश्चन एमती भावुत हुए किंतु एठी टिके भिन्न अच्छे से क्वेश्चन टा निहाई देखु धड़ा हाथीटी ऐरावत अटे कला गाईटी पड़िया चोरुची एटा बुझापी मुझे दीटा नहीं एग्जाम गोटे क्वेश्चन आसब तो जेहेतु तीन टा लिंग अच्छे से तीन टा लिंग को ऑप्शन रे मुझे देना धड़ा हाथीटी ऐरावत अटे ये धड़ाटा हे पुलिंग एवं ये कलाटा हे स्त्रीलिंग देखु धड़ा कला तो कलर कहीं गोटे जगह पुलिंग है गोटे जगह स्त्रीलिंग है एमती प्रश्न उठु किंतु गोटे नियम अच्छी धड़ा कला यह सब हूँ विशेषण धड़ा हाथी हाथीटा केमी ना धड़ा यहाँ विशेषण आती गाई एटा कौन विशेष तो विशेषण जो लगुच विशेष जो लिंग होशेषण से लिंग हुए यहाँ मन रखु विशेष जदि पुलिंग अटे विशेषण पुलिंग हे विशेष जदि स्त्रीलिंग अटे विशेषण स्त्रीलिंग हे तो से ही नियम अनुसार हाथी हाथी है पुलिंग तो से धड़ा हो गला ये पुलिंग गाई को आम स्त्रीलिंग हिसाब से नहीं था तो से गाई रो ये विशेषण अच्छी कला से स्त्रीलिंग हो गला तो कन्फ्यूज हे ना यम हिसाब से आप लिंग चिन्हट करेंगे बहुत सारा नियम अच्छे ये केवल गोटे मुझे डिस्कसन करुच्ची। नेक्स्ट तो यही प्रकार क्वेश्चन आसे से ही शिक्षक नमस्य से ही शिक्षक नमस्य तो यही से हीटा कौन विशेष विशेषण सर्वनाम ना अव्यय यहाँ कौन विशेष विशेषण सर्वनाम ना अव्यय कौन हो सहीटा कौन से ही शिक्षक तो यही से ही हूँ आप गोटे सर्वनाम कौन सर्वनाम कि प्रकार सर्वनाम मध्य पचारि पारे एटा होजे सही होजे निर्देशात्मक सर्वनाम एटा मन रखंतु निर्देशात्मक निर्देश करुची माने क्यों शिक्षक ना सही शिक्षक से शिक्षक निर्देश करुची तो से एटा हला निर्देशात्मक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो एटा होजे आपनकर अन्य वर्णर साहाज्य न नै उच्चारित हेउतिया वर्ण को कोन कहाये एटा एग्जाम आसे अन्य वर्णर साहाज्य नेउ नथिव तो आमे वर्ण को विभाग करि परिबा स्वर वर्ण आ गोटे व्यंजन वर्ण एमिति करि परिबा तो अन्य वर्णर साहाज्य किए निए नाही स्वर वर्ण साहाज्य निए नाही स्वर वर्ण साहाज्य निए नाही माने निजे निजे उच्चारित होइता जेमिति अ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व एटा सब कहार साहाज्य नियंति नाही किंतु व्यंजन वर्णटा कहार साहाज्य निए स्वर वर्णर साहाज्य निए व्यंजन वर्ण मन क भी जी कहते कटा केमी होता है क जोग अ
अर साहाज्य नहीं उच्चारित होता है। तो यहाँ आपंकर स्वरवर्ण हो करेक्ट आंसर। तो यहाँ थी आज डिस्कसन आपन को जब भल लगला सेयार करूँ कमेंट करूँ लाइक करूँ एवं यही चैनल सहित तो सबुदिन कनेक्ट हो रुंतु विभिन्न प्रकार वीडियो देखूँ प्लेलिस्ट को जाकि अलग वीडियो माने देखूँ।